हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माइक टेंगो एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। वेलकम टू माई चैनल। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो मैंने बताया था एडमंड स्पेंसर की जो पोएम थी इपिथैलेमियन, एंड मैंने बताया था मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा प्रोथैलेमियन। तो ये है प्रोथैलेमियन पोएम रिटन बाई एडमंड स्पेंसर। तो आज इसकी समरी मैं आपको बताऊँगा हिंदी में, और आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ये ब्रिटिश पोइट्री का सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो वर्ड प्रोथैलेमियन है, इट वाज इन्वेंटेड बाय एडमंड स्पेंसर हिमसेल्फ। उन्होंने खुद इस वर्ड को इजाद किया है, जिसका नाम है वेडिंग सॉन्ग। जो प्रोथैलेमियन है, उस वर्ड का मीनिंग है वेडिंग सॉन्ग, और नप्शियल सॉन्ग भी बोल सकते हैं इसको। सो द पोएम वाज रिटन इन द ओकेजन ऑफ अ वेडिंग ऑफ टू डॉटर्स ऑफ एडवर्ड सोमरसेट। जो एडवर्ड सोमरसेट थे, वहाँ के अर्ल ऑफ वॉरसेस्टर थे वो, उनकी दो लड़कियाँ थीं, उनकी शादी के ओकेजन पे इस पोएम को लिखा गया था ऑन 8 नवंबर 1596 को उनकी शादी थी, दोनों डॉटर्स की एक साथ शादी थी। उस ओकेजन पे इस पोएम को लिखा गया था बाय एडमंड स्पेंसर। और जो एडवर्ड सोमरसेट हैं, जिनकी दो लड़कियां थीं, वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे एडमंड स्पेंसर के। सो दिस नप्शियल सॉन्ग वाज डिफरेंट फ्रॉम स्पेंसर्स ओन नप्शियल सॉन्ग। जो स्पेंसर की शादी हुई थी, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो इपिथैलेमियन थी, वो भी एक नप्शियल सॉन्ग था, वो इनके इस नप्शियल सॉन्ग से डिफरेंट था। एंड सम ऑफ द अर्लियर डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम इन इट्स स्ट्रक्चर लाइक द बैंक ऑफ रिवर थेम्स। तो इस जो पोएम में जो एक चीज़ यूज़ की गई है, वो है द बैंक ऑफ रिवर थेम्स। जो रिवर थेम्स है, उसके किनारे पे इस पूरी इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। जो सेरेमनी है वेडिंग की, वो पूरी द बैंक ऑफ रिवर थेम्स पे हुई है। तो इस वर्ड का ज़्यादा यूज है इस पोएम में। एंड लाइक इपिथैलेमियन इन पहले प्रोथैलेमियन, टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड टू द कपल्स एंड टू गार्ड देम फ्रॉम ऑल इल्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इन इपिथैलेमियन में क्या होता है कि जो न्यूली मैरिड कपल होता है, एडमंड स्पेंसर एंड उनकी वाइफ एलिजाबेथ बॉयले, वो होप करते हैं कि जो गॉड है, उनकी ब्लेसिंग्स उनके साथ है, क्योंकि वो न्यूली मैरिड कपल हैं और सब अच्छा ही हो। वही सेम इस पोएम में भी है कि ये जो दो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, इनके साथ भी जो गॉड है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, एंड कोई भी जो बुराइयां हैं, जो इल्स हैं, उससे उनको जो भगवान है, उनकी रक्षा करेंगे, ऐसा ये सोचते हैं। एंड नो फर्स्ट नाइट सीन वाज डिस्क्राइब्ड इन प्रोथैलेमियन लाइक इपिथैलेमियन। इपिथैलेमियन में क्या था कि वो उन्होंने अपनी सुहागरात के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसके बारे में इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। एंड द प्लेस ऑफ वेडिंग इज़ बैंक ऑफ थेम्स। जैसा मैंने बता दिया है, जो वेडिंग का प्लेस है, वो बैंक ऑफ थेम्स रिवर है। एंड बोथ द सिस्टर्स आर लुकिंग ब्यूटिफुल लाइक पेयर्स ऑफ स्वान दैट सेल्स डाउन इन द रिवर। जो दो बहनें हैं, जो ब्राइड बनी हैं, दुल्हन हैं, और वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं उस टाइम पे। पोइट ने डिस्क्राइब किया है इसमें कि वो दो स्वान जो होते हैं, स्वान का पेयर लग रहे हैं, वाइट कलर के स्वान जो कि उस रिवर में तैर रहे हैं, ऐसा उन्होंने इस पोइम में डिस्क्राइब किया है, उनकी खूबसूरती को देखते हुए कि जो दुल्हन है वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और जो बैंक रिवर है वो बिल्कुल पास में ही है। जो रिवर है उसके बिल्कुल किनारे पे ही जो इवेंट हो रहा है, तो वो ऐसा लग रहा है कि दो परियां हैं, दो स्वान हैं, पेयर ऑफ स्वान है, एक वाइट कलर के कपड़े पहने हैं, इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक स्वान का जोड़ा है जो रिवर में
तैर रहा है। एंड द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम अनलाइक द एपिथेलेमियन लेस इन पोइटिक अचीवमेंट एंड मोर इन बायोलॉजिकल वैल्यू। तो जो इपीथेलेमियन थी एडमंड स्पेंसर की, उसको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिले थे, उसकी वजह से जो एडमंड स्पेंसर हैं पुरस्कृत भी हुए थे और बहुत फेमस हुई थी। एंड दैट वाज द सक्सेसफुल फ्यूज़न इन दैट टाइम। बट जो ये पोएम है प्रोथेलेमियन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई, इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं मिले, बट जो बायोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं वो इसमें ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इपीथेलेमियन। इपीथेलेमियन को इसमें बार बार कंपेयर किया गया है उस पोएम से, इपीथेलेमियन को प्रोथेलेमियन से ज़्यादा कंपेयर किया गया है। तो अगर हम इपीथेलेमियन को अचीवमेंट्स में कंपेयर करें तो प्रोथेलेमियन इपीथेलेमियन से कम है, बट बायोलॉजिकल जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें ज़्यादा हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी प्रोथेलेमियन जो कि एडमंड स्पेंसर द्वारा लिखी गई, मैंने आपको जैसा बताया। तो ये समरी है मैंने आपको बताया, इससे आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा और आप अपने एग्ज़ाम में इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर लाने के लिए ट्राई करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।